हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो सही में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। आज हम लोग स्टेट्स के टॉपिक के अंदर जो आपका ऑपरेशन रिसर्च है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ऑपरेशन रिसर्च के अंदर वी आर मूविंग टुवर्ड्स यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 2 अगर अभी तक नहीं देखा तो देख लो, वो था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 3, उसका नाम जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा, असाइनमेंट एंड रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम। अब बात करते हैं असाइनमेंट और रिप्लेसमेंट। देखो यहाँ पे दो टॉपिक को जोड़ा गया है, हम लोग पहले असाइनमेंट को निपटाएंगे फिर रिप्लेसमेंट को निपटाएंगे, तो लेक्चर वाइज देखते हैं तो किधर आपको दिक्कत आएगी। असाइनमेंट प्रॉब्लम, असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, किसी को कुछ काम देना उसको बोला जाता है असाइनमेंट। ये सिंपल सी भाषा में यही मतलब होता है, भाई किसको क्या काम दे। मान लो आपके पास एक बंदा है और आपके पास एक काम, एक बंदा है और एक काम है, तो आप उसे ही बोलोगे काम करने को, सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। पर मान लो आपके पास दो बंदे हैं, भाई एक बंदा ए है और दूसरा बंदा बी है, और दोनों जन के पास आपके पास दो काम है, भाई एक आपके पास वन नंबर का काम है और दूसरा आपके पास दो नंबर का काम है। अब यहां पे किसको क्या काम है, अब आप बोलोगे सर कौन कितना वक्त लगा रहा है वो तो बताओ। मान लेते हैं जो पहला नंबर का काम है, अगर ए को मैं करने दे रहा हूं, ए को, तो पहला नंबर का जो काम है वो 10 घंटे लेता है और दूसरा नंबर का जो काम है उसको वो लगाने में 15 घंटे लेता है। वहीं पे जो दूसरा बंदा है हमारे पास वो पहला काम करने के लिए 17 घंटे लेता है और दूसरा काम करने के लिए 5 घंटे लेता है। तो आप बोलोगे क्या बात है सर, इसमें तो बहुत आसान है। पहला वाला बंदा है, जो ए वाला बंदा जो है वो क्या कर रहा है, पहला काम को 10 घंटे में निपटा रहा है, तो उसको पहले ले लेते हैं, उसको पहला काम दे दो। और बी जो है हमारे पास दूसरा बंदा जो है वो 5 घंटे में दूसरा काम कर रहा है, उसको वो काम दे दो। अरे क्या बात हो गया, ये तो कितना आसान था, मतलब जो कम से कम वक्त लगा रहा है उसे वो काम दे दो, यही तो लॉजिक होता है। आप अगर बिजनेसमैन हो तो आप क्या करोगे, काम कैसे बांटोगे। ये तो मैंने अवर्स के ऊपर बात की, पैसों भी होते हैं, कई बार लोग अपने अपने काम के पैसे बोलते हैं, ये काम के मैं इतने रुपए लूंगा, उसी घंटे को अगर पैसों में तब्दील करो। आपका काम होता क्या है कि कम से कम वक्त में इधर काम हो जाए या तो कम से कम पैसों में काम हो जाए, यही तो काम होता है। 80% लोग इसी तरह काम करते हैं, कौन कब से मिले होता है, और 20% कुछ लोग होते हैं वो कुछ इस तरह से भी काम करते हैं। देखो सर, तो ऐसी गलती मत करते ना, इसलिए तो आज हम लोग पढ़ने बैठे हुए हैं। कौन सा आपका टॉपिक पढ़ने बैठे, असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो चलो शुरुआत करते हैं आज असाइनमेंट प्रॉब्लम के बारे में। मैं उदय कच्ची यहाँ पे आप लोग को बात करने वाला हूँ असाइनमेंट प्रॉब्लम के कुछ। नाउ अगर हम लोग बात करें तो मैंने यहाँ पे असाइनमेंट प्रॉब्लम को हंगेरियन मेथड भी बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर मेथड है इसको सॉल्व करने की, इसे हंगेरियन मेथड बोला जाता है। इसके मैंने स्टेप्स, ये स्टेप्स अगर देख के स्क्रीनशॉट भी रख लिया और अगर लेक्चर पूरा नहीं देखा, ये स्टेप्स कुछ काम के नहीं है। ये स्टेप्स तब समझ में आएंगे जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे, तो याद रखना प्रैक्टिकली भी हम लोग को देखें। सबसे पहला स्टेप, मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच रो डिडक्ट करो, मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम डिडक्ट करो, draw the line passing from each zero in a minimum way, अगर हो रहा है rows और columns equal हो रहा है तो answer आ जाता है, नहीं आ रहा तो ये वापस से step है, वे वापस से step number 3 पे ऊपर check करो। ये मेरे को steps नहीं कर, मतलब ये क्या bla 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 चलता जा रहा है, सब देखेंगे तब पता चलेगा क्या करना है। इसके पहले हम लोग बात कर रहे हैं types of matrix और types of sums के बारे में। देखो types of matrix में आपका एक तो either हो सकता है balance या तो unbalance। अनबैलेंस के बारे में हमने डिस्कशन कर दिया था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वाले में। अनबैलेंस होता है कि व्हेन रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल, तो हमें इक्वल करने होंगे, मतलब जितने बंदे उतने काम होने चाहिए तो ही तो हम काम दे सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं, समझ रहे हो बात को, वो चीज। अब दूसरा आता है अनबैलेंस, मतलब चार बंदे है हमारे पास और काम सिर्फ 3 है, या तो काम 5 है और बंदे 4 है, तो ये अनबैलेंस हो गया, उसको क्या करना है वो हम लोग एक सम के अंदर कवर अप कर लेंगे। दूसरा टाइप होता है एज पर द सम रिक्वायरमेंट, मिनिमम देखना है या मैक्सिमम देखना है, कई बार मैक्सिमम भी देखा जाता है,
तो मिनिमम सैड हुआ और मैक्सिमम, मैक्सिमम के अंदर थोड़े बहुत यहाँ पे स्टेप चेंज हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, थोड़ा सा इतू सा वो, हाँ उतना। अब चालू करें सम के अंदर, सबसे पहले आदमी मस्त सम के साथ बढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ पर मेरे बैलेंस सम है, मिनिमाइजेशन का है, और ये क्या है सिंपल वाला सम है। दिस इज योर क्वेश्चन, वर्क है ए बी और सी, पर्सन ए दो और तीन, ये सब रुपए बता रहा। अभी पहला बंदा बोल रहा है मैं ए काम करने के 15 रुपए लूंगा, वही बोल रहा है बी के लिए 17 और सी के लिए 13, दूसरा बोल रहा है 21 रुपए, 24 रुपए और 31, तीसरा बोल रहा है ए के लिए 11, 19 और 17। इसको सबको सॉर्ट आउट करना है, इसकी प्रॉपर मेथड से जाना है। अब आप बोले सर जिसको जो मिनिमम नहीं होता वैसा, हम लोग सम के साथ साथ चर्चा करेंगे ऐसा क्यों नहीं होता, पर ऐसा नहीं होता जो मिनिमम दिखाई दे उसे चिपका, डिफरेंस अमाउंट भी तो देखनी पड़ती है, बहुत सारी टेक्निकलिटी होती है। चलो समझ लो, अब समझो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, मैं स्टेप को भी साथ साथ में लेते जाएंगे इसलिए कि आपके दिमाग में क्लियर होता जाए क्या करना है। ये आपका क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा है, मिनिमम कॉस्ट फाइंड करके बताओ, मिनिमम कॉस्ट कितनी आएगी और किसको क्या काम दे जिससे हमें मिनिमम कॉस्ट आए, ये हमारा क्वेश्चन। सबसे पहला स्टेप आ जाओ यहाँ पे, क्या लिखा है, मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच रो शुड बी डिडक्टेड। अब रो मतलब ये, रो मतलब ये रो होती है, ये सारी क्या है रोज, समझ रहे हो बात हो। अब करना क्या है मिनिमम एलिमेंट देखते हैं, 15 17 और 13 में से मिनिमम कितना है बताओ मुझे, 13 है तो 13 को मैं उसमें से सब कुछ माइनस कर दो, 15 माइनस 13 2 भाई, 17 माइनस 13 4 और 13 माइनस 13 0, इजी। सेम प्रोसीजर यहां पे करते हैं, एक और बार देख लो शांति से पढ़ाओ, 21 24 और 31 में से सबसे लोएस्ट कितना है 21, तो 21 माइनस 21 0, 24 माइनस 21 3 और 31 माइनस 21 दैट इज 12, समझ गए। तीसरी बार देख लेते हैं भाई फटाफट से, यहां पे कौन सा लोएस्ट है, भाई सर 11 लोएस्ट है, 19 माइनस 11 8, 17 माइनस 11 6 हो गया था, इजी सिंपल जा रहा है भाई, हम लोग इजी के अलावा तो कुछ करवाते ही नहीं है, समझ गए यहां पे। चलो चलो अब यहां पे आ जाते हैं कॉलम के अंदर, अब कॉलम डिडक्शन, कॉलम डिडक्शन सेकंड स्टेप आ जाओ यहां, मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम शुड बी डिडक्टेड, कहां से देखना है ये स्टेप से, अब स्टेप 1 से देखना है, समझ में, क्वेश्चन में से नहीं देखना, क्वेश्चन को साइड में रखना, स्टेप 1 ओके, मैं स्टेप 1 भाई यहां पे मिनिमम एलिमेंट क्या है 0 है, तो 0 से नहीं छोटा तो 0 है, तो 2 में से 0 निकालोगे तो फिर भी कोई फर्क पड़ने आता है, 2 0 0 तो ट्रिक बता रहा, जिस कॉलम के अंदर 0 उसकी तो कॉलम वैसी की वैसी लिख दो, कोई फर्क पड़ने वाली नहीं, तो यहां पे मैं 0 10 6 4 पर यहां पे कोई 0 नहीं, पर यहां पे मिनिमम मुझे दिखाई दे रहा है वो कितना आ रहा है 3 दिखाई दे रहा है ओके, तो 4 माइनस 3 तो 8 0 और यहां पे बाकी रहेंगे 5, खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा जा रहा है, ग्रेट। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे आते हैं, यहां पे जाते हैं, draw the lines passing from each zero in minimum way। इसमें मैंने देखा हुआ है सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, मतलब बच्चे के दिमाग में ये सेट ही नहीं होता, मतलब पंगा होता है ये आपके साथ ही, जब मैं ओआर पढ़ रहा था तब लिटरली मुझे भी पंगा कि सर हर एक में जीरो जीरो जा रहा है, एक लाइन दो लाइन तीन लाइन, मतलब काम खत्म। मैंने क्या बोला नहीं ऐसा नहीं, ऐसी लाइन बनाओ जो मैक्सिमम जीरो को कवर करे इन मिनिमम, मतलब मिनिमम लाइन के अंदर मैक्सिमम जीरो कवर कर, इस लाइन को ड्रॉ द लाइन पासिंग फ्रॉम ईच जीरो इन अ मिनिमम वे, हमें सारे जीरो भी कवर करने पर मिनिमम तरीके से कर। तो आप लोग ऐसा कैसे किया है, देखो इसकी बहुत सारी थियरी है पर मैं एक सिंपल से ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान रखना यहां पर ट्रिक को समझो, हर एक जीरो को पकड़ो कोई भी एक जीरो, ये जीरो बराबर, तो ये जीरो के अंदर उसकी रो और कॉलम दे, अगर आप लोग देखो एक कॉलम सेट सॉरी रो सेट है तो दो जीरो और कॉलम वाइज भी है तो फिर भी कितना जीरो, तो जो लाइन आपको अच्छी लगे वो बना, तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, हल्की सी लाइन ड्रॉ कर ली कर दी ओके, अब ये कवर अप हो गया। अब दूसरा हम लोग देखते हैं ये भी, अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करता तो फिर भी दो मेरे कवर अप हो गए दो कवर, अब ये जीरो तो कवर हो ही नहीं रहा, मतलब कुछ भी कर लो ये जीरो तो कवर हो ही नहीं रहा, तो इसके लिए मुझे लाइन बनाए आइदर वर्टिकल बनाओ आइदर हॉरिजॉन्टल बनाओ कुछ भी बनाओ। अब आप बोलोगे सर ऐसी लाइन बना दे तो ठीक है, तो अब हमारी लाइन कितनी है, एक लाइन हुई, दूसरी ये लाइन हमने खींची थी और तीसरी हमने ये लाइन खींची,
यही तीन लाइन होगी। इससे ज्यादा आप क्या बोलो सर, ऐसा करो एक लाइन ऐसे खींच देते, एक लाइन ऐसे खींच देते और एक लाइन ऐसे, कैसे भी खींचनी हो खींचो, पर मिनिमम वेज अब इससे कम लाइन के अंदर हम लोग जीरो को कवर नहीं कर सकते। अब जुगाड़ लगा दो, जितना दिमाग लगे पॉज करो, जुगाड़ लगा के बताओ, कमेंट सेक्शन में बता दो इससे हो सकता है या नहीं मिनिमम, या सो लो में कमेंट सेक्शन में बताओ मैं हो सकता है नहीं हो सकता। तो अब मैंने तीन लाइन बना दी। अब मैं यहां कहता हूं देखो क्या लिखा मैंने यहां पे, दो रास्ते बनाए, इफ लाइंस इज इक्वल टू रोज एंड कॉलम, जो हमारी लाइन है तीन लाइन, तो हमें क्या तीन ही रोज थी या तो तीन ही कॉलम थी, बैलेंस समय तो तीन में, तो हमारा आंसर आ गया, खुश हो जाओ। अगर कुछ होता तो दिक्कत आती, वो बाद में देखते, पर हाँ हो गया। अब क्या करें सर, तो मैं यहाँ पे कुछ देख रहा हूँ, जो जीरो है दैट इज द मिनिमम कॉस्ट, तो भाई वन जो है क्या है, वन टू और थ्री हमारे पास तीन है, वन जो है वो सी काम कर सकता है खाली, टू जो है वो ए और बी दोनों काम कर सकता है, लिखते जाते हैं ए और बी दोनों काम कर सकता है, और जो थ्री जो है वो खाली ए काम ही कर सकता है कम से कम कॉस्ट में, समझ में। जिसके पास जीरो है वो मैंने लिखा हुआ है, ध्यान से समझो, ए का जीरो कहां पे था सी पे, टू का जीरो कहां पे था ए और बी में, और थ्री का जीरो कहां पे था खाली ए में। तो जिसके पास एक एक काम है उसे तो दे ही दो, क्योंकि वो तो क्या है एक ही काम कर सकता है बेचारा, तो ये दोनों तो सेट है हमारे। अब थ्री को अगर मैं एक दे दूं तो दो को तो एक करने की जरूरत है ही नहीं। याद करो अपने घर पे काम होता है, बंटवारा होता है सिब्लिंग्स के बीच में, अगर बंदा मान लो आपके घर पे आपके वहां पे मेड या सर्वेंट नहीं आ रहे, तो होता क्या है माँ बंटवारा कर देती काम, भाई बर्तन कोई और करेगा, कपड़े कोई और करेगा, वैसा ही कुछ होता है। अब मान लो किसी को बर्तन का काम दे दिया, तो क्या दो बंदे लग जाएंगे बर्तन में, नहीं, तो ऑटोमेटिक सी बात है कपड़े आप पहनेंगे। तो यहां पे थर्ड को ए मिल रहा है, तो सेकंड को तो ए मिल ही नहीं सकता, सेकंड को क्या मिलेगा बी मिलेगा, समझ में। तो तीनों तीन काम बढ़ गए हमारे पास ए बी और सी, और सबको मिल भी गया वन टू और थ्री को, ठीक है। तो अब क्या करें सर, आंसर कहां से लाए, आंसर आ गया बेटा देखो यहां पे, ज्ञानी लोग यहां पे आ जाओ भाई, वन को सी, वन को सी क्वेश्चन में से जाके देखना है कितने रुपए ले रहा है, वो 13 रुपए ले रहा है भाई, टू बी का ले रहा है, टू को बी काम दे दो तो वो 24 रुपए ले रहा है, थ्री को अगर ए काम दे दो तो वो 11 रुपए ले रहा है, टोटल मुझे बताओ कितने रुपए हो गए, 13 + 24 + 11 48 रुपीज हो गए। दैट मीन्स मिनिमम कॉस्ट जो है हमारे पास वो है रुपीज 48। आ गया आंसर, खुश हो गए, समझ में आई बातें, देखो कितना बढ़िया सी बात हो गई, हमारे पास मिनिमम कॉस्ट भी आ गया और हमने स्टेप वाइज समझ लिया, इतना इजी था। अब ये चीज करने में लोग बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं क्लास के अंदर, पता नहीं क्या होता है कॉलेज के अंदर प्रोफेसर पढ़ाते हैं, पर कई बार मुझे भी पता है कॉलेज के अंदर ये सारी चीजें मैंने देखी हुई, बच्चे जो पीछे की साइड में बैठे होते हैं वो लोग को कुछ सिनारियो ऐसा हो जाता है जेठालाल जैसा। कॉलेज भी जा रहे हो वसूल करो वहां पे, नहीं जा रहे हो तो हम लोग बैठे हैं यहाँ पे देखा करो, बेस है। और बिलीव मी ये सारे चैप्टर्स ऐसे नहीं अभी के लिए आ रहे, देखो ये वीडियो के अंदर देखना बहुत सारे लोग एमबीए वाले भी ये वीडियो को देखते, क्योंकि एमबीए में भी आता है, एमकॉम में भी आता है, अरे क्या बात करू सीए में भी आता है, सब जगह पे आता है। तो समझ लो यहाँ समझ गए ये बात को, क्लियर है, फटाफट से देख लिया, चलो अब हे गाइस अगर अभी तक का वीडियो आपने देख लिया हो तो प्लीज लाइक बटन दबा दीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और जितना हो सके उतना इसे शेयर करो, जितने तक आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, आपके जितने भी टेलीग्राम ग्रुप है, जहां जहां पे भी हो, किधर ना किधर इंस्टाग्राम पे स्टोरी रख के हेल्प कर सकते हो, और वो सारी चीजों को आप जब भी इंस्टाग्राम पे या उस सब के अंदर रख रहे हो तो प्लीज @UKICofficial को टैग करना मत भूलिएगा, जो सो दैट वी कैन ऑल्सो रीशेयर दैट पोस्ट, थैंक यू सो मच, वी कैन ऑल्सो गिव यू द शाउट आउट फॉर दैट। भाई नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर हम लोग कॉम्प्लेक्स सम को सॉल्व करने वाले हैं, तो फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, चलिए।